टी20 सीरीज के लिए अफ्रीका पहुंची सूर्या की सेना, इन 17 शेरों ने भरी उड़ान। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से टी20 सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव अपनी सेना के साथ पहुंच चुके हैं अफ्रीका और कौन कौन से खिलाड़ी दोस्तों उनकी सेना में शामिल हैं, सब कुछ बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप भी हैं टीम इंडिया और सूर्य कुमार यादव के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का टूर खत्म हो चुका है, आखिरी टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने जीत लिया और सीरीज को 4-1 से यहां पर अपने नाम कर लिया। दरअसल तो इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को बुरी तरीके से शिकस्त दे दी थी। उसका बदला लेते हुए टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 5 मैचों की टी20 सीरीज में 4-1 से हरा दिया। लेकिन दोस्तों अब यहां पर जो अगला सीरीज होने वाली है वो टीम इंडिया के लिए थोड़ी सी कठिन सीरीज होने वाली है, क्योंकि अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका से भिड़ने वाली है और उसी के सरजमी पर भिड़ने वाली है। दरअसल दोस्तों इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मुकाबला 10 दिसंबर को डरबन में खेला जाएगा। डरबन में दोस्तों पहला मुकाबला खेला जाएगा और इसके लिए दोस्तों टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है। अफ्रीका की पिचेस आपको पता है कि इंडिया से अलग होती हैं और यहाँ के टाइमिंग्स भी हल्का अलग हैं। पहला मुकाबला जो डरबन में खेला जाएगा वो भारतीय समय अनुसार 9:30 रात को खेला जाएगा। ऐसे में दोस्तों अब टीम इंडिया अफ्रीका पहुंच चुकी है और उसके कैप्टन होने वाले हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य ने दोस्तों जो टीम चुनी है वो काफी धुआंधार है और जो खिलाड़ी उनके साथ गए हैं आइए उनके नाम जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बल्लेबाजों की बात करें तो टीम में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, ये दो बेहतरीन ओपनर कंटेंडर यहाँ पर टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल हैं। उसके साथ शामिल है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी अच्छा क्रिकेट खेला है और इसी का इनाम उनको अब मिला है और अब वो टीम इंडिया के यहाँ पर दोस्तों साथ ट्रेवल कर रहे हैं अफ्रीका के खिलाफ भी। उसके बाद दोस्तों टीम में तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव भी बने रहने वाले हैं। सूर्य बेहतरीन खिलाड़ी है आप सबको पता है और यहाँ पर दोस्तों इनको अफ्रीका सीरीज के लिए भी कैप्टन किया गया है। अगर सूर्य कुमार यादव इस अफ्रीका सीरीज में भी अच्छा करते हैं जो टीम इंडिया के लिए जो यहाँ पर एक टी20 कैप्टन की स्लॉट है उसको सूर्य निश्चित तौर पर भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टीम में नए नए फिनिशर बने रिंकू सिंह को भी शामिल किया गया है। रिंकू सिंह किस दर्जे के खिलाड़ी हैं आप सबको पता है, रिंकू बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और यही चीज उनको यहां पर दोस्तों अफ्रीका के खिलाफ भी कर रही है। उसके बाद दोस्तों टीम में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन तो बने ही रहेंगे। श्रेयस और ईशान किशन दोस्तों अपने आप में उम्दा प्लेयर है और यहाँ पर दोस्तों अगर वो अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेलते हैं तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों जितेश शर्मा और रविंद्र जडेजा विकेट कीपर और वाइस कैप्टन बन के जाने वाले हैं। रविंद्र जडेजा के लिए वाइस कैप्टनशिप की नई रोल होने वाली है जो कि उनको काफी हेल्प करेगा। उसके साथ साथ दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई भी टीम में बने रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बने रहेंगे कुलदीप यादव और हर्षदीप सिंह भी, ये दोनों खिलाड़ी भी यहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम के लिए काफी अच्छा क्रिकेट खेलने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और दीपक चहर तो टीम में बने रहेंगे। तो आपको क्या लगता है इस स्क्वाड से टीम इंडिया के अफ्रीका को हरा पाएगी, कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।